विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा का नाम सामने आता है और देखते ही देखते न्यूज चैनल से लेकर सोशल प्लेटफॉर्म तक साक्षी मिश्रा हरोड़ छा जाती है। साक्षी मिश्रा ने अनुसूचित जाति के लड़के अजितेश के साथ अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर साजिश की, यहां पर शादी की और ये प्रेम विवाह की साजिश साक्षी अजितेश को चर्चा का विषय बना गई। कोर्ट तक मामला गया और कोर्ट ने 2 महीने का वक्त साक्षी और अजितेश को दिया है ताकि 2 महीने के अंदर ये दोनों अपनी शादी को रजिस्टर करा सके। अगर तो ये शादी रजिस्टर हो जाती है तो साक्षी और अजितेश कानूनी तौर पर पति पत्नी बन जाते हैं। इनकी शादी पर कोई किसी तरह का सवाल नहीं उठा सकता, इनकी शादी पर कोई किसी तरह की उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन अगर 2 महीने बीत जाने के बाद भी साक्षी और अजितेश का शादी रजिस्ट्रेशन यहां नहीं होता है, अगर 2 महीने बीत जाने के बाद भी साक्षी और अजितेश अपनी शादी को बरेली जाकर रजिस्टर नहीं कराते तो ये शादी रद्द हो जाएगी। साक्षी मिश्रा और अजितेश को लेकर आपको बता दें, देश में फिलहाल माहौल इस तरह का बन चुका है कि इन दोनों ने पब्लिसिटी पाने के लिए नाटक किया। इन्हें शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इन्हें अपनी शादी को रजिस्टर कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मिश्रा की छवि को खराब करना था। इस तरह की कई तोहमतें साक्षी अजितेश पर लग रही हैं और इन सबके बीच हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है और ये प्रक्रिया साक्षी और अजितेश के लिए मुश्किल क्यों है। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है जिसके जरिए आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कितना आसान था, लेकिन बरेली डर की वजह से साक्षी अजितेश नहीं जा रहे और ये जो डर इन्हें बरेली जाने से रोक रहा है, ये जो डर इन्हें बरेली की जमीन पर कदम नहीं रखने दे रहा, ये डर किस तरह से इनकी शादी को रद्द करवा सकता है, ये तमाम जानकारियां जो साक्षी अजितेश की शादी को लेकर सामने आई है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर से लेकर इनकी शादी के झूठे होने का दावा कर रही जनता तक, ये तमाम जानकारियां हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए जरा। साक्षी मिश्रा और अजितेश की प्रेम कहानी ने एक वक्त पर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करके रखा, लेकिन अब पूरे देश के जहन में ये सवाल है कि ये शादी चलेगी भी या नहीं। साक्षी मिश्रा और अजितेश की शादी को मंजिल मिलेगी भी या नहीं। साक्षी और अजितेश, इन्हें कोर्ट ने 2 महीने के अंदर अपनी शादी रजिस्टर कराने का आदेश दिया है और अगर 2 महीनों में अदालत का आदेश ये दोनों नहीं मानते, अगर 2 महीनों में शर्त के अनुसार अपनी शादी को रजिस्टर नहीं कराते तो इनकी शादी रद्द हो जाएगी, ये शादी टूट जाएगी। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन कराना सभी दंपत्ति जोड़े के लिए जरूरी है। सूबे में हर तरह की शादियां यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2017 के तहत रजिस्टर कराई जाती हैं। इसके अलावा यूपी हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 1973 की तहत भी शादी रजिस्टर कराई जा सकती है। यूपी हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स के तहत शादी रजिस्टर कराने के लिए जरूरी है कि पति और पत्नी दोनों हिंदू हों और उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हुई हो। अगर पति और पत्नी दोनों हिंदू नहीं हैं या दूसरे कानून के तहत शादी करते हैं तो उनको अपनी शादी उत्तर प्रदेश मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2017 के तहत रजिस्टर करानी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि साक्षी अजितेश यूपी हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 1973 या फिर यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2017 के तहत अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं। शादी रजिस्टर कराने के लिए इनके पास विकल्प तो खूब हैं, लेकिन इनका शादी रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। इनका शादी रजिस्ट्रेशन जरा भी आसान नहीं है और इसके पीछे की वजह है साक्षी और अजितेश का बरेली ना पहुंचना। दरअसल जब तक साक्षी अजितेश बरेली नहीं पहुंचेंगे, जब तक साक्षी अजितेश बरेली पहुंचकर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, इनकी शादी वैध नहीं मानी जाएगी। और जब तक इनके पिता विधायक राजेश मिश्रा इनकी शादी को मंजूरी नहीं देते, साक्षी और अजितेश बरेली नहीं जाएंगे। बता दें आपको, साक्षी और अजितेश के पास रजिस्टर कराने की अपनी शादी को तरीके तो खूब सारे थे, लेकिन अंत में इनको जाना ही पड़ेगा बरेली
और बरेली जाना इनके लिए आसान दिखाई नहीं पड़ रहा। हालांकि आपको बता दें, यहां पति और पत्नी दोनों की फोटो ऑनलाइन अपलोड करते हैं अगर पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शादी और निवास प्रमाण पत्र को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करते हैं, दो गवाहों के पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं, पति पत्नी का शपथ पत्र अपलोड करते हैं, इसके बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करके अपने पास रखते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन की फीस का ऑनलाइन भुगतान अगर ये कर देते हैं तो मैरिज रजिस्टर इनकी हो जाएगी। हालांकि अगर आप एक साल के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपको 10 रुपए फीस देनी होगी, अगर एक साल बाद कराएंगे तो 50 रुपए, 2 साल बाद भी यहां पर 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज होंगे और 2 साल बाद शादी रजिस्टर अगर आप करवाते हैं तो 100 रुपए, 3 साल बाद कराते हैं तो 150 रुपए अदा करने होंगे फाइन के रूप में। यानी जैसे जैसे साक्षी और अजितेश की शादी को समय बीतता जा रहा है उसी तरह से इन पर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इन परेशानियों के बीच में क्योंकि अब तक ये जोड़ा बरेली नहीं गया है तो जनता ये कह रही है कि ये बरेली जाएंगे भी नहीं क्योंकि इन्हें अपनी शादी आगे लेकर जानी ही नहीं है, इन्हें अपनी शादी को तोड़ना है। अब देखना होगा जनता द्वारा किया जा रहा ये दावा सही है या साक्षी अजितेश अपनी शादी को लेकर कुछ और ही प्लान करके बैठे हैं।